तरह तरह की बीमारी में दिया गया हुआ सुई है, तरह तरह की बीमारी में दिया हुआ सुई है। आप देख लीजिए यह टोटल ढेर, वहाँ वहाँ पे दिखाई वो टोटल ढेर है। अब मैं आप पूछना चाहता हूँ, इस सारा दवाई का ढेर जो फेंका हुआ वेस्टेज है, इसको देखने के बाद सीधा और सीधा एक सवाल, क्या इन वेस्टेज चीज को फेंकने से यहाँ इन्फेक्शन फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ये लगभग 8 से 9 महीने से यहाँ पे रखा हुआ है, क्या एक दिन भी अगर एक सप्ताह में एक बार भी अगर प्रभारी महोदय आते हैं तो क्या उनको यह वेस्टेज चीज दिखता है कि नहीं दिखता है? यह मेरा सवाल है। जरूरी नहीं कि हर शिकायत हम सिविल सर्जन को करें, सिविल सर्जन का घेराव करें उनके कार्यालय। जरूरत यह नहीं है कि जब जब हल्ला हो तबे सुधार हो। मान लेते हैं हम लोगों के गांव देहात में कहावत है एगो कि जरूरत नहीं है कि बुद्धि बढ़ेला ठेसे लागे, कबो कबो लोगों के ठेस लागल देख के अपन बुद्धि बढ़ा लेवे के चाहिए, ये वो कहावत है। तो हर पीएससी में अनियमितता के खिलाफ नवयुवक सेना हम लोग जो है नेतृत्व करके उसका विरोध कर रहे हैं, वहाँ समस्या का सुधार करवा रहे हैं, साफ सफाई में व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं। उस चीज़ को देख कर भी अगर बुद्धि नहीं बढ़ता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात। अभी हम लोग उपस्थित है कोटवा पीएससी में, कोटवा पीएससी कदम चौक पे जो कोटवा पीएससी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ उपस्थित है। यहाँ की स्थिति हम क्या बताएं, हमको ज़्यादा कुछ बताने का भी मन नहीं कर, लेकिन स्थिति वही है। आप सारे चीज़ देख रहे हैं, जहाँ लाइन लगाने से लेकर के कहाँ कहाँ जगह की कमी के वजह से सारा चीज़ है। ये सारे चीज़ यहाँ के पदाधिकारी को दिखना चाहिए था, लेकिन प्रभारी महोदय है, जहाँ तक हमको पता चला है आसपास के लोगों ने बताया है कि सप्ताह में एक दिन आते हैं साप्ताहिक मीटिंग के दिन मंगलवार को। एक चीज और बताते हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि बीमारी से ही बीमारी होता है, कभी कभी इन्फेक्शन से भी बीमारी होता है, किसी और के इन्फेक्शन लग जाने से बीमारी होता है और आदमी मर भी जाता है। ये चीजें आपको मैं दिखा रहा हूँ, आके देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पर बगल में, यहाँ पे बगल में कल है जहाँ से जो भी लोग आते हैं, यहाँ पे मरीज हो चाहे स्वस्थ आदमी हो चाहे बीमार आदमी, उस कल से पानी पीता है। जस्ट इस कल के 2 फीट की दूरी पर यह दिखाइए, यहाँ पे जितने भी वेस्टेज चीज है देख लीजिए, यह लगभग 6 महीने से लेकर साल भर से यह सुई लोग तरह तरह की बीमारी में दिया गया हुआ सुई है, तरह तरह की बीमारी में दिया हुआ सुई है। आप देख लीजिए यह टोटल ढेर, वहाँ वहाँ पे दिखाइए वो टोटल ढेर है। अब मैं आप पूछना चाहता हूँ, इस सारा दवाई का ढेर जो फेंका हुआ वेस्टेज है, इसको देखने के बाद सीधा और सीधा एक सवाल, क्या इन वेस्टेज चीज को फेंकने से यहाँ इन्फेक्शन फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ये लगभग 8 से 9 महीने से यहाँ पे रखा हुआ है, क्या एक दिन भी अगर एक सप्ताह में एक बार भी अगर प्रभारी महोदय आते हैं तो क्या उनको यह वेस्टेज चीज दिखता है कि नहीं दिखता है? यह मेरा सवाल है। जरूरी नहीं कि हर शिकायत हम सिविल सर्जन को करें, सिविल सर्जन का घेराव करें उनके कार्यालय में ताला मारे, क्या यही रह गया है? अब क्या सुधार नहीं हो सकता है? तो ये मैं यही पूछना चाहता हूँ कि यह जो कचरा लगा हुआ है यहाँ से लेकर के कल तक वहां तक दिखाइए पूरा, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि यह कब हटेगा? सड़क पर उतरे, सड़क जाम करे, पुतला दहन करे, हला बोल करे, तभी सुधार होगा। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है, धीरज जी वो अपने ड्यूटी पे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं धीरज जी को कि अपने ड्यूटी पर मौजूद है। लेकिन धीरज जी से सीखने की जरूरत है और डॉक्टर लोगों की जिनकी ड्यूटी होती है अस्पताल में, लेकिन अगर वो लोग नहीं सीखेंगे, अगर वो लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो भाई कहने की बात तो है नहीं कि सबको पता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो सीधे तौर पर आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, खिलाफ में होगा, सस्पेंड होंगे। और प्रभारी महोदय से सबसे बड़ा सवाल है कि जिस रास्ते से आप इन करते हैं, थोड़ा पीछे जाके दिखाना होगा इधर से, ये अस्पताल में इन करने प्रभारी महोदय का जो ऑफिस जाता है या मेन गेट है, और रोज रोज यही मैं इन करते होंगे तो उनका नजर पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा वो कचरा पर, वही चीज मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं पूछना उनसे चाहता हूँ। हम चलेंगे सिविल सर्जन सर से, यहाँ का भी जहाँ भी पीएससी के पास जा रहे हैं वहाँ का टोटल रिपोर्ट हम सिविल सर्जन को देते हैं, यहाँ का भी देंगे और उनसे सवाल करेंगे कि अब अपने प्रभारी महोदय से पूछा जाए। हमको हल्ला प्रदर्शन नहीं करना है, हमको रोड जाम नहीं करना है, हमको बस एक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार युवा होने के नाते, या मेरा सवाल है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है या पूछना कि अगर आपातकालीन स्थिति में अगर कहीं भी किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की तबीयत खराब होती है तो डायरेक्ट तो मोतिहारी नहीं जाएगा कोटवा के लोग, कोटवा के आम जनता का, कोटवा के नौजवानों का, यहाँ के जितने भी गांव गरीब गुरबा जो है, जो सरकार में विश्वास करते हैं, जो सत्ता में विश्वास करते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि हमारा कुछ होगा, 1,000-2,000 रुपया नहीं है कि फलानवा बाबू के हॉस्पिटल में चल जाए मोतिहारी, वो आएगा पीएससी में ही। अगर वो इमरजेंसी में पीएससी में आता है तो डॉक्टर साहब अपना प्राण लगा देंगे क्या ओकरा में?
नहीं लगाएंगे, डॉक्टर साहब करेंगे इलाज। और इलाज होता है दवाई से, इलाज होता है व्यवस्था से, इलाज होता है प्रभारी महोदय के यहाँ रहने से। तो प्रभारी महोदय अगर एक डॉक्टर के भरोसे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे तो होने वाला है कुछ? प्रभारी महोदय के क्या वह कचरा नहीं दिखता होगा? जो सामने जो कचरा दिख रहा है वो लगभग 6 महीना साल भर से कचरा जमा हो रहा है, क्या वो नहीं दिखता था उनको? यही सवाल है और हम चाहते हैं इसी सवाल जो समस्या पर हमने उठाया है उस समस्या का समाधान हो, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सीधी सी बात है, हम आज के 8 यानी कि आज के 8 एकदम 7 दिन के बाद मैं पुनः इस कोटवा अस्पताल में आऊंगा। अगर 8 दिन के बाद आने के बाद ये सब कचरा यहाँ से नहीं हटा तो हम इतना ही कपड़ा अपना खोल के बैठेंगे, भूख हड़ताल पर हम पहले कह दे रहे हैं। प्रभारी महोदय को मेरा ये मैसेज दिलवा दीजिएगा आप लोग जितने भी लोग हैं, अगर 8 दिनों के अंदर में यह कचरा कोटवा के PSC से साफ नहीं हुआ इतना ही आके हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक साफ नहीं होगा। 8 दिन का समय देते हैं बस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। कौन कंपनी से वाणी रहूँगा यहाँ गोस्वामी जी के? कितना रुपये तनख्वाह हुआ? 6,000। 6,000 इनका तनख्वाह है लेकिन साइन होता है 14,000 पे 16,000 पे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड के मजबूरी का फायदा उठाना यहाँ के निजी कंपनियों से सीखिए। खुद ये लोग साइन करता है लोग 16,000 पर 18,000 पर, लेकिन मिलता है 6,000 8,000 10,000 बहुत कम जगह 10,000। और यह सच्चाई है। और मोतिहारी सदर अस्पताल से लेकर के जितने भी PSC में जिनका टेंडर है, यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 14,000 पर 16,000 और 18,000 पर साइन कराया जाता है तो ऐसे जो लोग हैं जो दिन रात अपना घर द्वार अपना बाल बच्चा परिवार छोड़ के जो सेवा करते हैं जो सुरक्षा करते हैं उनके साथ कितना बड़ा अन्याय होता है। ये नहीं है, ये हमको दिख गए तो याद आ गया है। सदर अस्पताल से लेकर के जितने भी PSC में जो गार्ड काम कर रहे हैं सबका दुख यही है, सबका रोना यही है। ये सबसे बड़ा समस्या है, इस पर भी सिविल सर्जन महोदय को ध्यान देना चाहिए। अगर संज्ञान में नहीं है तो संज्ञान में इसको लेना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। अलावा भी तो जगह है जहाँ हला करेंगे, यहाँ के हालात पर अगर सुधार हो गया तो ठीक है, और यहाँ के अगर हालात पर सुधार नहीं होगा कार्यालय है ये, वहाँ अपने जो करते हैं अपने करिए। चलिए में आए हैं भाई, सब ठीक है भाई। बात विचार हुआ था अनिकेश भाई से तो वहीं फोन किया।